नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक बार फिर लेकर हाजिर हूं बिहार की बात। बिहार की बात में आज बिहार की कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा जो सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल आज नीतीश कुमार जदयू कार्यालय के सभागार में पहुंचे, वहां पर मीडिया से बात की। बात करते हुए पुलवामा की घटना का तो जिक्र किया ही, साथ ही साथ कश्मीरियों को लेकर भी एक साफ स्टैंड रखा, 370 के साथ खड़े रहे और कश्मीरी लोगों पर भी जो जुल्म हो रहे हैं उस पर सवाल उठाया। जो पूरी बात उन्होंने कही वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन यह साफ हो कि जदयू और भाजपा कुछ मुद्दों पर अलग है, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, कश्मीर का मसला, इसके साथ साथ ट्रिपल तलाक और दो मुद्दे हैं जिस पर ये दोनों पार्टियां अलग हैं, हालांकि एक साथ गठबंधन में हैं। जब समता पार्टी का 1998 में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था तभी इन मुद्दों को अलग कर लिया गया था। अभी भी नीतीश कुमार का स्टैंड साफ है और एक छवि जो मुस्लिम हितैषी वाली बनी हुई है उसे कैरी ओवर करना चाहते हैं। लुधियाना में 2009 में एक रैली हो रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर थे, वो तस्वीरें खूब वायरल हुई थी और ऐसी बातें सामने आने लगी। नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता से समझौता किया, हालांकि वो बस एक गठबंधन था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया था तो नीतीश कुमार इस बात से नाराज होकर गठबंधन से बाहर आ गए थे, अकेले लोकसभा चुनाव में गए थे 2014 में। हालात ऐसे हो गए कि महज दो सीटों पर सिमट गए। उसके बाद महागठबंधन का फॉर्मेशन हुआ, राजद कांग्रेस के साथ आए, समीकरण नहीं बैठ पाए तो फिर अलग होकर भाजपा के साथ हैं। 2019 में वो मंच भी सजने वाला है जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ होंगे, भाजपा साथ में चुनाव में जाएगी। सीटों के समीकरण अलग है, इस बार 17-17-6 है। इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम शुरू करते हैं बिहार की बात। सबसे पहले आज वो बयान सुनवाते हैं जो नीतीश कुमार ने जदयू कार्यालय के सभागार में दिया। दरअसल नरेंद्र सिंह आज जदयू में शामिल हुए, एसके मेमोरियल में एक बड़ा कार्यक्रम था। उसके बाद जब जदयू कार्यालय पहुंचे तो नीतीश कुमार भी वहां आए और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो पहले सुनिए कि ये पुलवामा और जम्मू कश्मीर के मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का जो एक कहिए कि जहां से सब कुछ करते हैं, अब वो जो जानकारी में बात आती है उसके चलते तो लोगों के मन में एक दूसरे प्रकार की भावना होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी समस्त भारतवासी चाहे वो किसी भी धर्म के, ऐसा नहीं है कि अपने देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में तकलीफ नहीं, सबके मन में तकलीफ। अलगाववादियों से सुरक्षा और तमाम चीजें वापस ली जा रही है, एक सही कदम है। ये तो निर्णय लेना है और पूरा देश चाहता है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना है और इसके लिए जो जरूरी कदम है उठाए, तो अगर जरूरी कदम उठाया जा रहा है उसके बारे में डिबेट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात हम जरूर कहें कि अगर कोई घटना घट गई जम्मू कश्मीर में तो इसका मतलब यह नहीं है कि कश्मीर के लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, उल्टा पुलटा ये बात नहीं होना चाहिए। कश्मीर के जितने लोग सब भारतवासी हैं तो वो मन में कहीं नहीं जाना चाहिए। आखिरकार कश्मीर में भी तो लोगों के मन में पीड़ा है, तकलीफ है। लेकिन कुछ लोग तो कौन सा ऐसा प्रांत, कौन सा ऐसा इलाका नहीं होता है जिसमें सब लोग एक ही विचार को, कुछ ना कुछ लोगों की तो मनस्थिति अलग होती है। लेकिन इसके चलते किसी भी प्रकार से किसी के मन में कश्मीर के बारे में कोई अवधारणा गलत नहीं बनाई। इसके साथ साथ धारा 370 का भी जिक्र करते हुए कहा कि वो जरूरत है, उसे हटना नहीं चाहिए। इन तमाम बातों के बीच खबरों की बाजार में यह बातें आनी लाजमी हैं कि जदयू उस स्टैंड पर कायम है जिस पर वो पहले भी थी, जिस पर भाजपा एक अलग राय रखती है। हालांकि ये गठबंधन इन शर्तों पर ही हुई है, लेकिन चुनाव से पहले इन बातों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मगर एक बात जो नीतीश कुमार ने साफ रखी वो कश्मीरियों को लेकर थी, साथ ही साथ मुस्लिम्स के लिए भी जो उनका रवैया रहा है वो बहुत साफ रहा है और अब वो भाजपा के साथ हैं। बावजूद इसके चुनाव से पहले इस बयान से उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जदयू का स्टैंड अभी भी पहले की तरह कायम है। दरअसल
देश भर में ऐसी घटनाएं होने लगी कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उसके जो आत्मघाती हमलावर था आदिल, वो कश्मीर का रहने वाला था। ये महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इसके लिए हम पूरे कश्मीरियों को बदनाम नहीं कर सकते, उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। और एक और तस्वीर जो देखने को मिली वो ये कि जब जवान घायल हुए हमारे, तो वो कश्मीरी ही थे जो उन्हें उठा उठा कर अस्पतालों में ले गए, एम्बुलेंस तक ले गए। लेकिन सिर्फ एक लड़के के कारण, एक बच्चे के कारण सबको ये नहीं किया जा सकता। वो बच्चा जो फिदाइन बन गया, जो जैश मोहम्मद की बातों में आकर इतने बड़े घटना को अंजाम देने में लग जाता है। बहरहाल जैश मोहम्मद का भी एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, धर्म से जोड़कर उनके दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें आगे कुछ नज़र नहीं आता कि वो क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल आज चर्चा बिहार और जदयू के पर हो रही है, तो यहीं पर रहते हैं। ये सारी बातों के बीच नीतीश कुमार का ये स्टैंड साफ था जिस पर वो कायम है। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपने वोटरों को एक क्लियर मैसेज नीतीश कुमार द्वारा दिया गया। घटनाएं क्या हुई थी? बिहार में पटना में स्टेशन के करीब एक लहासा मार्केट लगता है जहां पर कश्मीरी शॉल सूट वगैरह बेचने आते हैं, जहां पर लोग जाते हैं। बिहार में जगह जगह पर घूम घूम कर भी कश्मीरी बेचते हैं, और आज के हालात ऐसे हैं कि वो सारे लोग पटना छोड़ चुके हैं। जब ये हमले होने शुरू हुए तो हमारे सहयोगी देवांशु प्रभात ने उनसे मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, और वो रिपोर्ट भी हमने लाइव सिटीज पर दिखाई कि किस कदर वो डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व देश की एकता और अखंडता पर भारी पड़ रहे हैं, समाज संविधान को हाथ में लेकर कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो देश के खिलाफ है। आज हालात ऐसे हैं कि वो लोग अब पटना में नहीं हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस लौटेंगे जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाता है। ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश से भी आई हैं और भी देश के अलग अलग जगहों से आई हैं जहां पर कश्मीरियों के साथ हिंसा किया गया, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, यह बात आपने नेताओं के मुँह से सुनी होगी, संविधान भी यही कहता है, और वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को या किसी एक क्षेत्र के कारण पूरे क्षेत्र को इसकी जिम्मेदारी दे देना ठीक नहीं है। आज नीतीश कुमार ने भी अपने बयान से इन्हीं बातों को साफ रखा। एक उदाहरण याद करते हैं, जब गुजरात में 13 दिन की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद बिहारियों को गुजरात में पीटा जाने लगता है। हम इस बात पर तब एग्री कर रहे थे ना कि एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को नहीं चोट पहुंचाया जा सकता, इसी तरह की घटना अब ये है, और यही सोच हमें अब भी रखनी चाहिए। जब हम बिहारियों के साथ ऐसा होता है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनके हित में बात करते हैं, और याद दिलाते हैं देश के उस संविधान का जो हमें यह आज़ादी देता है कि हम देश में कहीं भी घूम सकें, जा सकें, रह सकें। ठीक ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन एक माहौल सा बना दिया गया है। कुछ अलगावादी जो हैं वो प्रोत्साहित कर देते हैं युवाओं को, जो बाद में पत्थरबाज भी बन जाते हैं, और एक माहौल ख़राब करने का प्रयास, जो शांति से लोग रहना चाहते हैं उन्हें परेशान करने का प्रयास कुछ अलगावादी करते हैं। हालांकि मोदी सरकार के एक्शन में उन अलगावादियों पर खर्च होने वाली पैसों को अब रोक दिया गया है, उनकी जो सुरक्षा थी वो हटा दी गई है, उनकी सुविधाएँ हटा दी गई हैं। आगे और भी एक्शन करती सरकार नज़र आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा कि हमने आर्मी को खुले हाथ छोड़ दिया है, वो प्लान करे, वो डिसाइड करे, और उसके बाद जो एक्शन तत्संगत लगे वो लें। बिहार में भी इसको इस तरह की जो घटनाएं हुई उस पर सीएम नीतीश कुमार खड़े रहे और उनकी सुरक्षा की बातें कही हैं। साथ ही साथ एक मैसेज भी दिया है उन लोगों को जो कथित तौर पर देशभक्त खुद को बताकर देश की संविधान को चोट पहुंचाने लगते हैं, उसके खिलाफ में बात करने लगते हैं। दूसरी ओर आज जदयू का एक कार्यक्रम था, जदयू अपने एक्सपेंशन की भी ओर बढ़ रही है और इस बार तो सवर्णों पर खास भरोसा जता रही है। पहले राम जतन सिन्हा और आज फिर नरेंद्र सिंह जदयू का दामन थामते हैं, जदयू में शामिल होते हैं। खूब धूमधाम से एसके मेमोरियल में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, और ज़रूरत देखिए कि सीएम नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच जाते हैं जदयू कार्यालय और फिर इसी के साथ उन्हें सदस्यता दिलवाते हैं। पार्टी को लेकर बहुत मजबूती से काम चल रहा है, प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद जो डिजिटल स्ट्रैटेजी है वो भी उतनी ही मजबूत है, युवाओं को जोड़ने की बात हो रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब नए लोग हमारे साथ आते हैं हमें बहुत खुशी होती है, और नरेंद्र सिंह तो फ्रंटलाइन ग्रुप के मालिक हैं और कई सारे लोगों को रोज़गार भी दे चुके हैं, करीब बिहार के 50,000 लोगों को रोज़गार अभी दिए हुए हैं।
तो अब उनकी भी राजनीति में आना इंटरेस्ट जगह और जदयू पे उन्होंने भरोसा जताया, प्रशांत किशोर का एक मैनेजमेंट, और चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह बयान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को साफ कर रहा है। बहरहाल इन तमाम बातों के बीच चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर के दोनों गठबंधनें पूरी ताकत झोंके हैं, कोई पक्ष में बयान दे रहा है कोई विपक्ष में। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बात का भी जिक्र किया कि जवानों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस भावना में पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे वो किसी भी समाज समुदाय या जाति धर्म से हो, और इसी फीलिंग को हमें आगे भी रखना चाहिए कि आपसी मतभेद ना पैदा हो, भावनाओं में मतभेद ना आए, आपसी कलह ना पैदा हो, जो पाकिस्तान चाहता है कि लोगों को आपस में लड़ाकर तोड़कर अपने पक्ष में करना। इन सब बातों के बीच जदयू का स्टैंड साफ, चुनावों की तैयारी तो चल ही रही है। महागठबंधन में जीतनराम मांझी हैं जो आज ही गया में दोषी करार देते हैं मोदी सरकार को। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह अल्टीमेटम था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ये घटना हो जाती है। हालांकि घटना बहुत दुखद है, कायराना है, क्योंकि आत्मघाती हमला किया गया काफिला और हमारे सोल्जर्स तैयार नहीं थे इसके लिए। आगे जनता में तो आक्रोश है, हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, मगर यह भी बात मानने वाली है कि अभी युद्ध के स्थिति में हमारा देश नहीं है, हम डेवलपिंग है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और युद्ध में बहुत खर्च होगा, बहुत सैनिक मारे जाएंगे, और इससे हमारे देश की जो प्रगति की गति है, विकास की जो गति है, वो धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी, नुकसान तो होगा ही। पाकिस्तान पहले से इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, बहुत बुरे कंडीशन में है, और लड़ने की स्थिति में तो वो भी नहीं है, टिकेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बातें कर रहा है और आतंकियों को तो पनाह दिए ही हुए हैं। इसके खिलाफ अब तो पूरा दुनिया एक साथ हो गया है, अमेरिका, रूस और भी अन्य देश हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, मगर युद्ध के लिए भारत अभी तैयार नहीं है। तैयार है चुनावों के लिए, नए चुनाव आने वाले हैं, 2019 में फिर से लोकसभा का चुनाव अब होने जा रहा है, मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर के, लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर के देश भर में खूब उत्साह है। महागठबंधन भी अपनी तैयारी में है, NDA भी अपनी तैयारी में है, 3 मार्च को एक बड़ी रैली होने जा रही है, उससे पहले नेता भी राजनीति को लेकर खूब सक्रिय दिखते हैं। बहरहाल इंतज़ार आपको भी है, इंतज़ार हमको भी है, खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप बने रहे लाइव सीरीज़ के साथ। फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।